हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम मुकेश है। फ्रेंड आज मैं बात करने वाला हूँ MG Hector Plus के बारे में। फ्रेंड MG Hector Plus का जो बुकिंग है वो अनाउंस हो गया है। फ्रेंड मैं बात करने वाला हूँ कि मुझे MG Hector Plus से फ्रेंड में ओनली 6 सीटर वेरिएंट में ही देखने को मिलेगी। हालांकि कुछ टाइम से ऐसी न्यूज़ भी आ रही थी कि फ्रेंड हमें 7 सीटर में देखने को मिल सकती है, पर फ्रेंड MG Motor ने ऑफिशियली अनाउंस कर दिया है कि फ्रेंड जो Hector Plus वेरिएंट है वो हमें ओनली 6 सीटर वेरिएंट में ही देखने को मिलेगा। तो मैं जैसे फर्स्ट में बात करने वाला हूँ MG Hector Plus के बुकिंग और लॉन्च डेट के बारे में। फ्रेंड MG Hector Plus का जो प्री बुकिंग है वो अनाउंस हो गया है। फ्रेंड आप MG की डीलरशिप के वहाँ पे जाके इस कार को जो है वो बुक कर सकते हो। फ्रेंड अगर मैं इसके डिलीवरी के बारे में बात करूँ तो फ्रेंड जो कार की जो ऑफिशियल डिलीवरी है फ्रेंड हमें जुलाई मंथ में देखने को मिलेगी। तो जो MG Hector Plus है फ्रेंड ये हमें 6 सीटर वर्जन के साथ कैप्टन सीट के साथ देखने को मिलेगी। और फ्रेंड मैं बात करने वाला हूँ MG Hector Plus के डायमेंशन के बारे में। तो फ्रेंड जो MG Hector है उससे फ्रेंड हमें 65mm लॉन्गर देखने को मिलेगी। और फ्रेंड विड्थ हाइट और जो व्हील बेस है उसमें हमें कोई डिफरेंस देखने को नहीं मिलता है। ओनली जो लेंथ है वही हमें इंक्रीज देखने को मिलेगी। फ्रेंड अगर मैं MG Hector Plus के बूट स्पेस के बारे में बात करूँ तो फ्रेंड जिसकी थर्ड रो सीट है अगर उसको आप फोल्डिंग करते हो तो फ्रेंड आपको 530 लीटर का बूट स्पेस देखने को मिलेगा। और फ्रेंड जो MG Hector Plus है फ्रेंड इसके एक्सटीरियर डिज़ाइन में ही हमें चेंजेस देखने को मिलते हैं। इंटीरियर से हमें ज़्यादा चेंजेस देखने को नहीं मिलते हैं। सीटिंग चेंजेस के अलावा बाकी जो MG Hector है और जो MG Hector Plus है ये हमें सेम देखने को मिलेगी। और फ्रेंड मैं बात करने वाला हूँ MG Hector Plus के फीचर्स के बारे में। तो फ्रेंड इसके अंदर हमें फूट स्वाइप ऑटो टेल गेट, थर्ड रो पे हमें एसी वेंट के साथ ब्लैक और सेपिया ब्राउन ड्यूल टोन लेदर अपोलेस्ट्री देखने को मिलेगी। और फ्रेंड जो MG Hector Plus है फ्रेंड ये हमें यूनिक एक्सटीरियर कलर ऑप्शन के साथ जो है वो देखने को मिलने वाली है। जैसे कि फ्रेंड इसके अंदर हमें स्टेरी स्काई ब्लू कलर ऑप्शन जो है वो न्यू देखने को मिलेगा। और फ्रेंड मैं बात करने वाला हूँ कि MG Hector Plus के अंदर में कितने इंजन ऑप्शंस देखने को मिलते हैं। तो फ्रेंड इसके अंदर में पेट्रोल हाइब्रिड, पेट्रोल और डीजल इन तीन इंजन ऑप्शन के साथ जो Hector Plus है वो हमें देखने को मिलेगी। और फ्रेंड जो पेट्रोल हाइब्रिड वेरिएंट है फ्रेंड इसके अंदर में 6 स्पीड मैनुअल गियर बॉक्स, और जो पेट्रोल वेरिएंट है फ्रेंड इसके अंदर में 6 स्पीड मैनुअल और DCT दोनों गियर बॉक्स, और डीजल वेरिएंट के अंदर हमें ओनली 6 स्पीड मैनुअल गियर बॉक्स ही देखने को मिलने वाला है। फ्रेंड अगर मैं MG Hector Plus के प्राइसिंग के बारे में बात करूँ तो फ्रेंड इसका जो प्राइसिंग है वो हमें 13.50 लाख रुपीज़ के आसपास जो है वो देखने को मिलेगा। और फ्रेंड फिलहाल तो SUV के बारे में इतनी ही डिटेल्स आई है जो मैंने आपको बताया। फ्रेंड और भी अगर इसके बारे में कुछ नई डिटेल्स आती है तो जल्दी मैं आपके लिए एक नया वीडियो लेके आऊँगा। और फ्रेंड इसी तरह से अगर आपको हमारे न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने हो तो फ्रेंड आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे आने वाले हर ऑटोमोटिव वीडियोस की अपडेट्स आपको जल्द से जल्द मिले। और फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें।